सो यू वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड बाय स्ट्रेंजी अपडेट के एपिसोड नंबर 26 में आप सभी का स्वागत है, जिधर हम लोग बात करते हैं जो वीकली मूवीज एंड सीरीज की अपडेट निकल कर आती है उनकी। इस बार भाई थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज इस वीक काफी सारे कंटेंट को रिलीज होना था एंड उसकी वजह से भाई उनके रिव्यू एंड अपडेट वाले वीडियो के बनाने के चक्कर में ये स्ट्रेंजी अपडेट थोड़ी सी लेट हो गई थी। बट भाई काफी सारी मस्त अपडेट निकल कर आई है जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमेशा की तरह भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चाहो सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें अपडेट नंबर 1 की, तो भाई इसको सुनकर जो स्पाइडर मैन वाले मूवीज के फैन है वो लोग काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं बिकॉज भाई अगर आप लोगों ने नो वे होम को देख लेते हैं आप लोग को ये चीज पता होगी कि भाई ये जो ट्रायोलॉजी थी वो यहीं पे एंड हो गई। अब देखो इसके आगे सोनी एंड मार्वल ने चीज अनाउंस करी थी कि वो लोग नई ट्रायोलॉजी लेकर आएंगे एंड अभी रिसेंट टाइम में भाई केविन फैगी का एक इंटरव्यू सामने निकल कर आया था जहां पे उन्होंने ऐसा बोला है कि जो स्पाइडरमैन 4 का वर्क है भाई अंडर प्रोसेस है, मतलब कि भाई कहीं ना कहीं उसका जो वर्क है वो अभी स्टार्ट हो चुका है एंड आने वाले टाइम में आप लोग को उसके ऊपर एक अच्छी अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल सकती है। तो भाई इससे ये चीज तो कंफर्म होती है कि आप लोग को आने वाले टाइम में अभी भाई 4, 5, 6 जिसको लोग बोल रहे हैं पार्ट स्पाइडरमैन को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बताना भाई आप में से कितने लोग जो नई ट्रायोलॉजी आने वाली स्पाइडरमैन की उसके लिए एक्साइटेड हो एंड आपके अकॉर्डिंग भाई जो स्पाइडरमैन का फ्यूचर है वो एमसीयू में क्या रहने वाला है उसको भी आप लोग बता सकते हो बिकॉज भाई काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि अपना जो स्पाइडरमैन है वो शायद अब एवेंजर नहीं रहा बिकॉज सारे लोग भूल चुके हैं कि भाई टॉम हॉलैंड ही स्पाइडरमैन है। तो आप लोग का क्या टेक है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हो। सो बात करें अपडेट नंबर 2 की, तो निकल कर आ रहे ब्लैक एडम मूवी की तरफ से। भाई ये जो मूवी है उसको डीसी काफी ज्यादा हाईली रेट कर रहा है एंड अभी करंटली जितनी अपडेट निकल कर आई है उनके अकॉर्डिंग इस मूवी का जो एक्शन है आप लोग को एवेंजर एंड गेम के लेवल का देखने को मिलेगा, मतलब कि जो सीजीआई वीएफएक्स यूज होंगे वो भाई उसी लेवल के होंगे जिस लेवल का आप लोग को एवेंजर एंड गेम में देखने को मिला था। प्लस भाई अभी पास्ट में भी काफी सारे इसकी जो पिक्चर्स है उनको रिलीज करा गया था एंड भाई अभी जब इसका लाइक इवेंट हुआ था उसमें भी इसका एक छोटे से स्नीक पीक को भी रिलीज करा गया था जहां पे हम लोगों ने देखा था कि भाई मूवी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। तो भाई अगर ये मूवी उस लेवल की लाइक रिलीज होती है देन आई थिंक ये डीसी के लिए गेम चेंजिंग होगा बिकॉज भाई ब्लैक एडम द बैटमैन जो कि भाई आने वाली मूवीज हैं डीसी की वो भाई फिर से डीसी को रिवाइव कर सकती हैं। आप लोग का भाई क्या टेक है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना एंड ब्लैक एडम के ऊपर जो भी फ्यूचर में लाइक अपडेट्स आएंगे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो बात करें अपडेट नंबर 3 की, तो भाई वो निकल कर आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर की तरफ से। अब देखो मैं अगर आप लोग हमारी स्ट्रेंज अपडेट को देखते हो तो मैंने आप लोग को भाई पास्ट में बता रखा था कि आप लोग को स्पाइडरमैन के साथ ही इसका जो एक टीजर ट्रेलर है उसको अटैच करके दिखाया जाएगा एंड भाई अगर आप लोगों ने मूवी देखा हुआ है देन भाई सबसे लास्ट में इसका जो टीजर ट्रेलर है उसको भी दिखाया जाता है जहां पे भाई मूवी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही थी। अब बात करें आप लोगों को भाई यूट्यूब के ऊपर इसका जो ट्रेलर है वो कब तक रिलीज होता हुआ दिख सकता है, तो अभी करंटली मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग दिसंबर लास्ट वीक से जनवरी के फर्स्ट वीक तक इसका जो ट्रेलर है वो देखने को मिल जाना चाहिए बिकॉज भाई जो ट्रेलर है वो बनकर रेडी है एंड अब सिर्फ शायद इसकी हिंदी डबिंग ही होनी बाकी रहेगी बिकॉज आप लोग को जो ट्रेलर है वो शायद हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी लाइक फ्यूचर में इसके ऊपर लाइक अपडेट आएंगे मैं आप लोग को आने वाले वीडियो में अपडेट कर दूंगा। सो नेक्स्ट अपडेट पर मूव करने से पहले अगर आप लोग को भाई छोटी मोटी अपडेट्स को जाना है एंड आप लोग को हमेशा अपडेट रहना देन आप लोग हमारे चैनल के इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड काफी सारे लोगों ने उसको वहां पे ज्वाइन भी कर रखा है एंड वो लोग भाई एंजॉय कर रहे हैं तो आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हो। अब बात करें भाई अपडेट नंबर 4 की, तो निकल कर आ रही भाई नेटफ्लिक्स की कॉबॉय बीबॉप सीरीज की तरफ से। भाई ये एक एनिमे का लाइक आप बोल सकते हो कि रिक्रिएशन था जिसमें भाई जो एनिमे के कैरेक्टर्स है उनको रियल लाइफ में करके आप लोग को जो वेब सीरीज थी उसको प्रेजेंट करा गया था, लेकिन भाई जो ऑडियंस थे उसको एनिमे ज्यादा पसंद आया था लेकिन ये जो सीरीज थी उसमें उनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा, दैट्स व्हाई लोगों ने इस चीज को ज्यादा पसंद नहीं करा था। तो अभी भाई सीजन 1 के बाद ही नेटफ्लिक्स ने इस चीज के सीजन 2 को कैंसिल कर दिया है, तो अगर आप लोग भाई इस चीज के सीजन 2 का वेट कर रहे थे देन आप लोग के लिए सैड न्यूज है कि आप लोग को भाई अब इस चीज का कोई भी सीजन 2 देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग बताना कितने लोगों ने इस चीज को देख लिया था एंड सीजन 2 का वेट कर रहे थे। सो बात करें अपडेट नंबर 5 की, तो अभी भाई नेटफ्लिक्स की तरफ से निकल कर आई है। अगर आप लोग को अभी तक नहीं पता चला है तो नेटफ्लिक्स ने अपने प्लान में काफी सारे कट्स करे थे एंड आप लोग को जो इसका बेसिक प्लान है वो 149 रुपीज का देखने को मिलता है जिसमें आप नेटफ्लिक्स के सारे कंटेंट को 480p पे लाइक स्ट्रीम कर सकते हो अपने मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स में। आप लोग इसको टीवी पर यूज नहीं कर सकते हो बट अगर आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हो देन आप लोग को भाई अच्छी क्वालिटी में नेटफ्लिक्स के सारे कंटेंट 149 रुपीज में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग भाई अभी लाइक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते थे देन आई थिंक आप लोग के पास बहुत अच्छा मौका है, आप लोग नेटफ्लिक्स के सारे कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो बिकॉज मैक्सिमम कंटेंट नेटफ्लिक्स के अभी दिसंबर में रिलीज होने वाले हैं। सो बात करें अपडेट नंबर 6 की, तो भैया नॉस्टैल्जिया याद आने वाला है। हैरी पॉटर की 20th एनिवर्सरी आप लोग को 1 जनवरी को देखने को मिलेगी एंड उसी का जो पोस्टर था उसको रिलीज करा गया था एंड अपडेट रिगार्डिंग आप लोग को इस इवेंट में कुछ अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल सकती है जिसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है तो आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हो। अब देखो भाई काफी सारे लोगों की जो मेमोरी है वो इस मूवी के साथ जुड़ी हुई है, उसमें से मेरी भी मेमोरीज काफी सारी हैं। तो भाई काफी सारे लोगों का जैसे स्पाइडरमैन को लेकर एक नॉस्टैल्जिया है उसी तरीके से भाई हैरी पॉटर के साथ भी एक नॉस्टैल्जिक कनेक्शन बना हुआ है। तो देखते हैं भाई क्या क्या अनाउंसमेंट होती है एंड जो इवेंट है वो किस तरीके से जाता है बिकॉज अगर रियूनियन हो रहा है देन आई थिंक कुछ अनाउंसमेंट भी सुनने को मिल सकती है। बाकी इसके ऊपर जो भी अपडेट होगी मैं आप लोग को आने वाले वीडियो में अपडेट कर दूंगा। सो भाई यही कुछ अपडेट्स हैं जो कि इस वीक निकल कर आई थी एंड भाई और भी कई सारे अपडेट्स हैं जिसको हम लोग आने वाले स्ट्रेंज अपडेट वाले वीडियो में कवर कर देंगे। अगर आप लोग को भाई ये जो वीडियो था वो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी छोटी मोटी अगर आप लोग को अपडेट जाननी है देन आप लोग हमारे चैनल के इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।